जी सर, वैसे तो मेरा कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे अंदर जो डाउट होते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप सब पहले ही बता चुके होते हैं। ठीक है, बस मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे मतलब थोड़ा। कहाँ से आए आप? सर लक्ष्मी नगर दिल्ली से। जी, तो अच्छा लग रहा है सर? हाँ जी सर, बहुत अच्छा, और आगे मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर क्लास में अटेंड करूँ। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जी बिगिनर के लिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन बिगिनर के लिए सर। क्या बिगिनर का? बिगिनर के लिए, हाँ। बिगिनर ही है सर सारे? ये क्लास ही बिगिनर के लिए सर। 4 से 6 महीने हुए सर। सर क्या आपका टेक्निकल कोर्स करने के बाद बंदे को कितना समय देना चाहिए? आपने किया हुआ है, लिया है अभी तक? क्या ऑनलाइन वाला लिया आपने? ऑनलाइन ठीक लगा है? कुछ किया है उसमें सर? कुछ, और कैलकुलेटर भी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन मेरा ये कि उसको प्रैक्टिस करने के बाद चार्ट पे तो हमें कितना 2 साल 4 साल कितना मतलब हमें अभी कंफर्ट करना चाहिए कि जॉब के साथ साथ हम इसको एक्सपर्ट बने इसमें भी? आप पूछ रहे हैं कि चार्ट पे जब आप सीख जाते हैं आपको कितना समय लगता है एक्सपर्ट बनने में? जी जी, जॉब के साथ साथ। जॉब के साथ साथ हो या जॉब के बिना हो, एक्सपर्ट बनने की बात तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ आज तक। एक्सपर्ट की डेफिनेशन कुछ होती नहीं है। ये है कि आप रीजनेबल काम कर पाओ, इतना समझ आ जाए आपको, और उसके बाद ज्ञान की कोई सीमा तो होती नहीं है। वो तो जब जितना जीते रहोगे ऐड होता रहेगा, बढ़ता रहेगा वो ज्ञान। जॉब आपको अभी टाइम कितना हुआ है समय? स्टॉक मार्केट में 6 महीने हो गए और जॉब कर रहा हूँ 6 साल से। तो स्टॉक मार्केट की पूछ रहा हूँ, 6 महीने हुए हैं। तो 6 महीने आपको हुए, तो आप ये मान के चलो कि कम से कम मिनिमम आपको 2 से 3 साल देने पड़ेंगे। मिनिमम 2 से 3 साल लगते हैं चीज़ों को एब्जॉर्व करने में। एब्जॉर्व समझते हो? एक चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है, उसको एब्जॉर्व करने में, आपके दिमाग में, आपके दिल में आने में, रुकने में, बसने में समय लगता है। वो समय कम से कम मिनिमम 2 से 3 साल है। उसके बाद ऐसी स्टेज आ जाएगी आपके कि हाँ, आपको बाहर की नॉइज़, चीज़ें वो समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके, चाहे आप 1 हफ्ते की एक बार कोई सौदा बनाओ डालो, 1 महीने में एक बार कोई शेयर उठा लो, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए कोई शेयर ले लो, इतनी समझ आपको आ जाए उसके लिए अभी से शुरू हो जाओ। पहले तो हल्का हल्का, छोटा छोटा, जैसे मैंने बताया इनको 5-5 शेयर, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आजकल मोबाइल से होता है सारा काम। रात को अपना 1 घंटा लगाओ रोज़, जैसे खाना खाते हो, खाना खाने के बाद अपना जो भी वॉक वूक करनी है करो, आके बैठो, डिसिप्लिन से 1 घंटा दो, टीवी को भूल जाओ, 1 घंटा दो। 1 घंटा बैठ के चार्ट देखो, उस चार्ट में से 3-4 अच्छे अच्छे स्टॉक चुनो, जो मैंने उसमें बताया जिस तरीके से, वहाँ से निकाले, उनके ऊपर सुबह जो भी आपका सिस्टम बोलता है 5 शेयर लेके छोड़ दो। दिन में उसको ट्रैक करते रहो, टाइम बीच में मिलता होगा ना, लंच टाइम, ये टाइम, उसको ट्रैक करते रहो। अच्छा ना लगे, स्टॉप लॉस कट जाए तो काट दो। ऐसे करते करते 5 शेयर 5 शेयर 5 शेयर, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 4 दिन, आप यकीन नहीं मानोगे 6 महीने में आप इतना सीखोगे कि आप सोच नहीं सकते। और फिर शाम को आगे एनालाइज करना कि मेरा 5 शेयर का स्टॉप लॉस कटा तो क्यों कटा, मैंने क्या गलती की थी, या ये कैसे हो रहा है, 5-5 शेयर में क्या जाने वाला है आपका। पूरे महीने में 500 रुपये जाएंगे आपके, लेकिन उस 500 रुपये में आप इतना सीखोगे, आप याद करोगे। टाइम लगेगा 2 से 3 साल, लेकिन प्रोसेस यही है। पहले आपने कोर्स किया है उसको समझो, उसके बाद साथ साथ 5-5 शेयर की ट्रेडिंग करते रहो। ट्रेडिंग अगर आप नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे सर। और कंप्लीट नॉलेज देने के लिए इसके सिवा और कौन से कोर्स कर सकते हैं हम सर? फिर वही अगेन बात है कंप्लीट। पहले तो ये चीज़ जो है अपने आपके पास है, इसकी पूरी समझ आ जाए, इसमें जितनी बातें करी हुई हैं वो सब समझ आ जाए, आप उनको चार्ट पे अप्लाई करना सीख जाओ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हैं, हमारा MT का प्रोग्राम है, उसमें आ जाना 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको समझ आए तो। लेकिन पहले जो किया है पहले उसको ढंग से करो ना, वो तो अप्लाई करना आ जाए, उसकी तो समझ पूरी आ जाए। नॉलेज की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ खुली हुई है, और आपको बताना भी नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आपको आती जाएगी समझ, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। पहले ये जो किया हुआ है इस पर समय दो, कम से कम आज से लेकर 6 महीने, और ये कोशिश करो हर हफ्ते में कम से कम 2 सौदे जरूर करने हैं सर। डेली 1 सौदा? हाँ, वो तो मुझे पता है, उंगली तो करते होगे आप, वो मालूम है मुझे। वो तो हमारे चैन थोड़ा ना आता है, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि 2 ट्रेडिंग कम से कम हफ्ते में ज़रूर करो। अगर कभी ऐसा हो कि नहीं दिल कर रहा तो भी करो, क्योंकि करने से थोड़ा सा अलग वाली फीलिंग आती है। लेकिन कृपा करके हाथ जोड़ के क्वांटिटी मत बढ़ाना। अभी जो रोज उंगली करते हो कितने से करते हो? ज़्यादा नहीं, 5 या 10 हज़ार, 5 या 10 हज़ार रुपये लगाते हैं, ज़्यादा नहीं दीदी, टाइम टाइम में तो उतने भी मत लगाओ। आप 5 हज़ार 10 हज़ार भी इसलिए लगाते हो कि 500 रुपये मिल जाएंगे, ठीक कह रहा हूँ? 5 हज़ार पे 500 पता कितने होते हैं? 10%। बैंक में 7% साल का मिलता है, आप 10% रोज कमाना चाहते हो, क्या होगा फिर उसका आपके साथ, क्या होगा? और 5 हज़ार से अगर 500 कमाना चाहते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं एफरेंडो में हाथ मार रहे होगे, कोई ऑप्शन 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 लेते हो। हाँ देखा, मुझे पता है ना। अरे बाबू बख्श दो अपने आप को, मुझे नहीं, मुझे तो क्या फर्क पड़ना है, अपने आप को बख्शो। कभी कभी सर निफ्टी का फ्यूचर भी लेता हूँ, ये नहीं अभी 6 महीने हुए हैं इन्हें, मैं कभी कह रहा हूँ बख्श दो अपने आप को, वरना जो जॉब कर रहे हो उसमें डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि जॉब की सारी कमाई धीरे धीरे यहाँ चली जाएगी। अभी तक ऐसा हो रहा है कि जॉब की कमाई यहाँ जा रही है, प्लस माइनस बराबर हो, अभी शुक्र है। अब दूर हो जाओ, जो जॉब से कमा रहे हो उस पर रखो अपने पास, उसको जोड़ते रहो थोड़ा थोड़ा, अच्छे शेयर को लेके रखो 6 महीने 8 महीने के लिए तो लेके रख दो, 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर। ट्रेडिंग करनी है केवल और केवल कैश से करनी है, 5 शेयर से केवल। डॉक्टर की अगर पूरी बात नहीं मानोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी, बताओ। ऑप्शन में उंगली कर रहे हैं, फ्यूचर ले रहे हैं, फिर लोग कहते हैं सर हमारे साथ पता नहीं क्या होता है, हम तो मार्केट में लॉस हो जाता है हमारे को। तो रोते क्यों हो जब आप मानते नहीं हो किसी चीज को? तो रोते क्यों हो फिर? एक बंदा आपको बता रहा है अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सोच से, आप बाकी लोगों को भी सुन रहे हो, सबको, ये सारे लोगों की सुन रहे हो ना बात। अभी जाओगे बाहर चाय पीने, फिर बात कर लेना आपस में, बहुत मिलेंगे आप जैसे भाई, गले मिलकर रोना, क्या मेरा भाई मिला मुझे, ऐसा जैसा मैं वैसा तू। यार सोचो, कुछ समझो भाई। 5 शेयर कैश में, इससे ऊपर काम नहीं करना 6 महीने यहां से, ठीक है? और 3 साल कम से कम अपने आप को दो, उसके बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है?